हमारे देश को यूं ही स्वतंत्रता प्राप्त हुई, हमारे देश को इसी प्रकार से आज तथाकथित स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, किसी न किसी ने बलिदान दिया है, किसी न किसी माँ ने अपना पुत्र खोया है, किसी न किसी बहन ने अपना भाई खोया है, किसी न किसी दादा ने अपना पोता खोया है, किसी न किसी मौसी ने अपना भांजा खोया है, हर किसी रिश्ते से इन व्यक्ति बंधा रहता है। पहले मेरा संबोधन था मंच पर आती उन सभी दिग्गज लोगों के लिए, मैं उनको बहुत 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 आशीर्वाद देती हूँ कि अपनी इस वाणी को कभी विराम ना दें, अपनी इस वाणी को कभी निराश ना करें, क्योंकि इसी वाणी के द्वारा युद्ध जीते गए हैं, देश को विजय प्राप्त होती थी, इन्हीं गीतों इन्हीं कविताओं के द्वारा लोगों में ओज होता है और इन्हीं कविताओं के द्वारा इन्हीं शब्दों के द्वारा लोग खड़े होकर के राष्ट्र के लिए आहुति देते हैं। इसलिए इस वाणी में सदैव प्रखरता बनी रहे, ओज बना रहे, तेजस बना रहे और सदैव तरोत्तर गति करे। मंच के समक्ष अभी पधारे हुए अतिथि हमारे अमित जी को मैं क्षमा करती हूँ और मैं चाहूँ कि मंगल जी और अतिथिगण उनको क्षमा करें। बहुत जोश में आ गए थे, ऐसा लगता है कि जबकि जब माँ के समक्ष ऐसा लगता है कि हमारी माँ सबसे बड़ी है, उसी शब्दों को वो बयान कर रहे थे, उन्हें लगा ऐसा कि हमारी माँ बोल रही हैं और यहाँ आगंतुक अतिथि आए हुए हैं, भीड़ लग गई, उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है, इतने जोश में बोल गए। और मैं उन सभी नेतागणों का, उन सभी नेतृत्व करने वाले लोगों का जिनको जनता ने चुनकर अपना विश्वास देकर अपना मत देकर विधानसभा में पहुंचाया है, लोकसभा में पहुंचाया है, जिस स्थान को उन्होंने दिया है वो बिल्कुल आदरणीय है, सम्माननीय है और उनका मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। समक्ष पधारी हुई मातृशक्ति और हमारे देश के होनहार, हमारे देश के वीरगण, हमारे बिहार भूमि के योग से योग्यतम व्यक्तित्व, उनके मनों में विराजमान ईश्वर को मैं नमन करती हूँ। मैं सिर्फ यहाँ कुछ बातों को कहने के लिए आई हूँ। वैसे तो साधु सन्यासियों का काम आशीर्वाद देने का होता है, सचेत करने का भी होता है, सचेत रखना इसलिए कि आगे कोई विपत्ति ना आए और आशीर्वाद इसलिए कि यदि व्यक्ति कोई आती है आपसे गलतियां हो जाती है, अपराध हो जाते हैं और गलतियां होने के कारण यदि कोई विपत्ति आती है तो उसमें सक्षमता से मजबूती से खड़े होकर के उसका सामना करें। आज मकर संक्रांति का कार्यक्रम है, मकर संक्रांति की सबको बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक बधाइयां और खूब ढेर सा आशीर्वाद। एक बात मैं कहती हूँ, हमारे यहाँ पे थोड़े समय पश्चात चुनाव होने वाले हैं, हम सिर्फ आपसे इतना आग्रह करने आए हैं, जिस प्रकार विश्वामित्र जी दशरथ जी से राम को मांगने गए थे, आज ये सन्यासी आपसे उसी प्रकार से भिक्षा मांगने आया है कि आप अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन उस मत का प्रयोग करने से पहले आप चिंतन अवश्य करें। आपके द्वारा इस देश का रक्षण हो सकता है, आपके द्वारा इस देश की धरा का विकास हो सकता है, आपके द्वारा यहाँ की संतति का विकास हो सकता है, उनकी उन्नति हो सकती है। हम जहां भी जाते हैं कहा जाता है एक बिहारी सत्ताधारी, तो इसलिए वास्तव में सत्ताधारी होता है और यहाँ तो बहुत सारे बिहारी बैठे हैं। एक बिहारी अटल बिहारी जी थे, वो पूरे देश नहीं पूरे विश्व पर भारी थे। इसी प्रकार से यहाँ जितने बिहारी बैठे हैं वो सब अपने अपने को समझ लें, अपनी शक्ति को परख लें और शक्ति को परख करके हम जहाँ भी रहें अपनी पहचान न खोए, जिसका आज पूरा परिदृश्य मैं यहाँ देख रही हूँ कि मकर संक्रांति का कार्यक्रम है और बहुत अच्छे से उत्साहपूर्वक आप लोग यहाँ आए।
हमारी संस्कृति को कहीं भी आप लोग रहे हैं निश्चित रूप से बनाए रखा है, उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। विदेशों में भी मैंने देखा कि विदेशों में आप लोग रहते हैं, लेकिन अगर छठ की पूजा है तो वहाँ भले ही कुंड में आप स्नान करते हैं, खड़े होते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन वहां भी अपनी संस्कृति नहीं खोई है। आप जिस भारत के जिस प्रदेश में रहते हैं वहां भी आप अपनी संस्कृति को बनाए रखते हैं। आज का ये जो परिदृश्य था, परिदृश्य है, ये उसी का द्योतक है। हमारे देश में कश्मीर है, हमारे देश में बंगाल है, हमारे देश में केरल भी है, हमारे देश में कर्नाटक भी है, हमारे देश में बिहार है, यूपी है, अन्य प्रदेश है। इनको मैंने क्यों गिनाया, शायद आपको जानकारी हो गई होगी। जहां आतंकवाद हुआ, और आतंकवाद हुआ नहीं, आतंकवाद लाया गया, इतने वर्षों के सत्ता में जो कांग्रेस का शासन रहा, उस सत्ता में जो आतंकवाद के संरक्षक थे, उन्होंने आतंकवाद को पलने और पोषने दिया, जिसके अंतर्गत आज हम उस चीज को झेल रहे हैं। बंगाल में चले जाए तो बंगाल में जब बांग्लादेश बन गया है तो वहां से यहां तक लाने के लिए एक मूर्ति को बिठा दिया है जो विधर्मी है, राष्ट्रभक्त तो नहीं है। उसने उन लोगों के ही दम पर शासन पाया और आज वो भारत से कटने के लिए तैयार खड़ा है प्रदेश, आप जानते होंगे, बंगाल। कश्मीर कट रहा है, बंगाल कट रहा है, अन्य प्रदेश हमारे कट रहे हैं, यूपी की भी स्थिति थी लेकिन संभाल ली गई है। देश में एक राष्ट्रभक्त इतने वर्षों बाद बैठा है, और इतने वर्षों बाद इसलिए क्योंकि हमें जागने में इतने वर्ष लग गए। लेकिन आपने देखा होगा आजकल वामपंथी बहुत पनप रहे हैं, देश विरोधी बातें करना लोगों के स्वभाव में आ गई है, एक फैशन बन गया है। देश विरोधी बातें करना ये उनके खून में है, ये ध्यान कर लेना। तथा कथित हिंदू है वो हिंदू नहीं है, जिनके जीन्स बिगड़ चुके हैं, जिनका डीएनए खराब हो चुका है, ये वो लोग हैं जो भारत में इस प्रकार की बात करते हैं। ऐसे लोगों को हमें सत्ता पर लाने के लिए कई बार विचार करना पड़ेगा कि हमें ऐसे लोग सत्ता से कोसों दूर रखना है, क्योंकि देश को चलाने वाले सत्ताधीश ही होते हैं। देश को चलाने के लिए सत्ता अनिवार्य है, राजनीति से दूर रहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे लोगों को राजनीति में अवश्य आना चाहिए, लेकिन जो लोग राजनीति में नहीं आते हैं, सत्ता नहीं पाते हैं, किसी प्रकार से नेतृत्व करने नहीं चाहते हैं, फिर भी उनका अधिकार है कि वह ऐसे लोगों को चुन करके सत्ता में भेजें जो हमारे देश का, हमारे समाज का और हम सब लोगों का विकास करे। मैं किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की बात करती हूँ, राष्ट्रवाद की बात करती हूँ। आपको मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण देती हूँ, शायद अमित जी ने और हमारे जितने कवि हैं किसी न किसी ने इस विषय में कुछ कुछ कहा है। बहुत दूर नहीं जाती हूँ, आपके समक्ष बैठी हुई एक सन्यासी, ये सन्यासी कितने प्रताड़ित हुए हैं, यानी मैं कितनी प्रताड़ित हुई हूँ ये शायद आप लोगों से छुपा नहीं है। 13 दिनों तक गैर कानूनी रखकर, ये कानून नहीं है, आपको जागृत कर रही हूँ, सचेत कर रही हूँ। यदि आपके साथ भगवान न करे ऐसा हो, पर यदि होता है तो आप इतने सचेत रहें कि आप स्वयं विजय पा सकते हैं अपने संघर्ष से। 13 दिनों तक गैर कानूनी मुझे यहाँ लेके और एक काल कोठरी में रखा गया और इतनी भयानक प्रताड़नाएं दी कि जीवन मुश्किल हो गया, जीना तो हो ही नहीं सकता था और मरने देते नहीं थे। मरने की मुझे चाहत भी नहीं थी, मैं देश के लिए ही मरना चाहती हूँ, दुश्मनों के हाथों ही मरूंगी तो मैं मर सकती थी। वहां इतना मारा उन्होंने, इतना मारा कि मेरे फेफड़े की झिल्ली फट गई। 5 दिन तक बेहोश थी, वेंटिलेटर पर रही। मुझे वेंटिलेटर पे इसलिए ले जाया गया क्योंकि मेरे मुंह से राष्ट्र विरोधी बातें निकलवाना थी उनको। सिर्फ इसलिए मुझे जेल में ले जाया गया, सिर्फ इसलिए मुझे जेल पुलिस कस्टडी में ले जाया गया कि एक भगवाधारी है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, शायद आपको जानकारी ना हो, सत्ताधीशों को भी ये बताया नहीं गया होगा, राजनीतिक लोगों को भी ये जानकारी नहीं होगी कि षड्यंत्र क्या था। एक बहुत बड़ा देश विरोधी षड्यंत्र, देश विरोधी योजना जो हमारे देश में लागू होने वाली थी और ईश्वर ने उससे बचा लिया।
निमित्त बनाया तो भगवा को, और बहुत अच्छा रहा। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जिसको आज मैं उजागर करती हूँ, वह षड्यंत्र है एक इटली से आई हुई महिला का। इटली से आई हुई महिला जो कांग्रेस की सत्ताधीश थी, सत्ता को संभालने वाली थी, कुछ राष्ट्रभक्तों ने विरोध किया और उसको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। लेकिन उसने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। उसने कहा कि यदि देश की आत्मा है अध्यात्म, धर्म, सनातन धर्म, उस देश की आत्मा को अगर तोड़ दो तो यह भारत हमारा हो जाएगा। इस भारत में रहने वाले लोग मृत हो जाएंगे, जैसा हम कहेंगे वैसा वो करेंगे। और यही षड्यंत्र था कि विश्व में भारत को बदनाम कर देना, विश्व में भारत को भगवा आतंकवाद के नाम को स्थापित कर देना, भारत को भगवा आतंकवादी देश कह करके और विश्व में स्थापित कर देना। एक विश्व की एक एजेंसी बनी है जिसमें जितने भी देशों में अगर विस्फोट होते हैं, कोई आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, तो वहां उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि ये देश आतंकवादी है, जिसमें पाकिस्तान को लाने का प्रयास किया जा रहा है सभी देशों का, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। लेकिन हमारे सत्ताधीश कांग्रेसियों के द्वारा यह प्लान किया गया कि उस विश्व की संस्था में हम भारत को भगवा आतंकवादी के नाम से स्थापित कर दें। और इस निमित्त उन्होंने यह षड्यंत्र रचा और उसका अंश मात्र सबसे पहले निमित्त मुझे बनाया कि एक भगवाधारी है, एक राष्ट्रवादी है, एक प्रखर बोलने वाली है, और सबसे बड़ी बात आरएसएस से जुड़ी हुई है, जहां सबको, और सबसे बड़ी बात एक स्त्री शरीर है, जहां सब कुछ मिल रहा था वह मैं थी। इसलिए उन्होंने निमित्त मुझे बनाया और निमित्त बना करके पुलिस कस्टडी में 13 दिन तक गैर कानूनी रखा। और जबकि ये नियम नहीं है, किसी को भी अगर शक के आधार पर भी पकड़ते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ता है। लेकिन इन विधर्मियों ने 13 दिन तक मुझे गैर कानूनी रखा और उसके बाद 11 दिन की पुलिस कस्टडी ली, लीगल। इस प्रकार से 24 दिन तक उन्होंने मुझे कस्टडी में रखा, पुलिस कस्टडी में रख करके, और सिर्फ एक बात कहते थे, हर राष्ट्रवादी का नाम लेकर के वो कहते थे कि तुम बोलो। इन्होंने मुझे बम ब्लास्ट करने के लिए कहा, आरएसएस के लोगों के लिए बोला, तुम बोलो इनके नाम कि इन्होंने मुझे भगवा के नाम, भगवा के अंदर अंदर बम विस्फोट करने के लिए दिया मेरे ना बोलने पे, ना बोलने पे। उसके बाद इतना टॉर्चर किया कि शायद अंग्रेजों के समय में भी किसी भी स्त्री को इतना टॉर्चर नहीं किया गया होगा। लेकिन उन्हें जानकारी नहीं थी कि वह एक स्त्री को नहीं पकड़ रहे हैं, वह एक राष्ट्रभक्त को लेकर के गए हैं, वह एक भगवाधारी को लेकर के गए, वह एक सन्यासी को लेकर के गए। जब उन्होंने मुझे मार मार के जब वो थक जाते थे, उसके बाद कहते थे कि तेरी अकड़ तो मैं निकालूंगा, नार्को टेस्ट में सब कुछ आ जाएगा। ईश्वर की बड़ी कृपा है, जो अंदर होता है वही बाहर आता है। अंदर राष्ट्रभक्ति है तो राष्ट्रभक्ति ही बाहर आएगी। 3 बार नार्को टेस्ट किए, 3 बार पॉलीग्राफी टेस्ट किए, 3 बार ब्रेन मैपिंग टेस्ट किए, 3 बार साइकोलॉजिकल टेस्ट किए, और बेल्टों से मारने के लिए करंट लगाने के साथ भोजन न करना, ये हमारी वृत्ति बन गई थी कि भोजन नहीं करना, सिर्फ पानी पीना है। तो उस पानी पी करके मैंने इतना टॉर्चर सहन सिर्फ देश के लिए किया है, सिर्फ देश के लिए, ये मैं आपको बता रही हूँ। और ये देश के लिए इसलिए किया, और आज मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस देश की धरोहर इस हद तक करनी पड़ती है, इसलिए आप इस देश की सिर्फ रक्षा करिए। ये जो हम बलिदान देते हैं, ये जो हम त्याग करते हैं, ये जो हम सहन करते हैं, पर आपको हम उपहार में देते हैं, और आप इस उपहार को संभाल कर रखिए, इसका जिम्मेदारी आप पर बनती है। इसलिए अब ना केरल में किसी प्रकार की हिंदुओं की हत्या नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी आप पर है। कर्नाटक में किसी भी प्रकार से हिंदुओं की हत्या ना हो, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। किसी भी प्रकार से हमारा समाज विघटित ना हो, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है।
कोई और प्रज्ञा सिंह ना बन पाए, उसको इतना टॉर्चर ना कर पाए, किसी राष्ट्रभक्त को तोड़ने के लिए इतने प्रयत्न दुश्मनों को ना करने पड़े। दुश्मन सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की एकता से डर जाए, यह जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हमारा कश्मीर हमारे हमसे न छीना जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देती हूँ। इन लोगों ने टॉर्चर कर करके मुझे जेल में भेज दिया, तब भी यहाँ के सत्ताधीश हार चुके और एक इनका जो उद्देश्य था वह वो प्रकट नहीं कर पाए, वह वो सामने लेकर के नहीं आ पाए। तो इन्होंने आतंकवादी जो पाकिस्तान में बैठा है दाऊद, उसको मेरी सुपारी देने के लिए आग्रह किया। दाऊद ने मेरी सुपारी दी, दाऊद ने मेरे वकील की सुपारी दी। उसने कहा कि इनकी जो इनका केस जो लड़ेगा उसकी हत्या कर दी जाए, उसको खत्म कर दिया जाए और इनको खत्म कर दिया जाए। मेरे यहां मान्यता है, सनातन धर्म में मान्यता है कि हम पुनर्जन्म लेते हैं, हमारी आत्मा कभी खत्म नहीं होती, हमारी आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता, वह अखंड है, वह चिर है, इसलिए वह कभी भी मिटती नहीं है। यह हमारी मान्यता है, यह हमारी हमारा धर्म है, यह हमारी संस्कृति है और यह हमारी परंपरा है, हमारी यह मान्यता है। हम इस बात को मानने वाले हैं और इसलिए हम सन्यासी हैं। हमारी आत्मा कभी नहीं मरती। जब मेरी सुपारी दे दी गई, उसके बाद मेरे वकील की सुपारी दे दी गई, कांग्रेसियों ने कह दिया ये कश्मीर जो है वो एक जमीन का टुकड़ा है, दे दो और रट्टा खत्म करो, ज्यादा मुस्लिम लोगों से अपने को पंगा नहीं लेना, ये जमीन का टुकड़ा है। बड़ी पीड़ा थी मन में। तो क्या होता है कि छठे साक्ष्यम समाचरे, मुझे लगता है कि उनकी भाषा में ही उनको समझा देना यही एक उपाय बचता है। तो हिंदी तो बहुत शुद्ध वो समझ नहीं पाते, मैंने उर्दू में ही कुछ लिख दिया। मैं आपको सुनाती हूँ। मुझे मारना चाहते थे, उन्हें लगा राष्ट्रभक्ति खत्म हो जाएगी इनको मार के, तो मैंने उसका भी जवाब दिया है। और कश्मीर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भी मैंने जवाब दिया है। थोड़ा सा उर्दू शब्द है इसलिए सुनिए आप। ये धरा मेरी माँ है, ये धरा मेरी माँ है, इसे जमीन ना कहने देंगे, जीना है तो औलाद बनकर, वरना यहां मरने भी ना देंगे। ये धरा मेरी माँ है, इसे जमीन ना कहने देंगे, जीना है तो औलाद बनकर, वरना यहां मरने भी ना देंगे। तू फिक्र ना कर, मैं तो मरकर भी आऊंगी तेरी मैयत में, तुम्हें तो हम कब्र में भी महफूज ना रहने देंगे, जीना है तो औलाद बनकर, वरना यहां मरने भी ना देंगे। ये धारा मेरी माँ है, इसे जमीन ना कहने देंगे। कितनी प्रज्ञा को मारोगे? इस जन्म में प्रज्ञा बनी हूं, अगले जन्म में कुछ और बनूंगी, अगले जन्म में कुछ और बनूंगी, लेकिन हर बार इस जन्म इस राष्ट्र में ही जन्म लूंगी, हर बार इसके लिए मरूंगी, हर बार इसके लिए जीऊंगी, ये मेरा संकल्प है। सन्यासियों को मिटाना, हिंदुओं को मिटाना, धर्म को खत्म कर देना, देश की आत्मा को मिटा देना, ये उनकी उनका सपना नहीं, उनकी आदत है। लेकिन उनकी आदतों को मिटाने के लिए सन्यासियों को आगे आना पड़ता है। कंस ने जब सन्यासियों पर अत्याचार किए तो कंस का विनाश हुआ, रावण ने जब सन्यासियों पर अत्याचार किए रावण का विनाश हुआ, उसका अंत हुआ। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने भारत में सन्यासियों पर अत्याचार किए, उनको जेलों में डाला, उन पर ढेरों जुर्म किए, तो उसके बाद उनका भी विनाश सुनिश्चित हो गया। और राजनीतिक व्यक्ति का विनाश तभी होता है जब उसको सत्ता से च्युत कर दो। इसलिए कांग्रेस का सफाया हो चुका है और अब वो अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। हम तो हर बार जन्म लेकर के मरने को तैयार हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा का भार हमारी पीढ़ियों पर है। हमने बिहार में सुना था बहुत संतान होती है, लेकिन बिहार के लोग जब बाहर आ गए तो बिहार के लोग इस शहर के परिवेश में रम गए हैं। बिहार के लोग कहते थे एक बच्चा माँ की सेवा के लिए चाहिए, एक बच्चा दादा की सेवा के लिए चाहिए, एक दादी के लिए चाहिए, एक माँ के लिए चाहिए, एक परिवार के लिए चाहिए, एक विद्या पठन पाठन के लिए चाहिए, तो एक देश के लिए भी चाहिए। गिनती नहीं थी, लेकिन संतान इसलिए उत्पन्न करते थे कि राष्ट्र को आवश्यकता हुआ करती थी। पर
पता नहीं आज वो आपका आवेश, आज आपका वो जोश, आज आपका वो तेज क्यों खोता चला जा रहा है हमारे देश। मैं आपसे एक ही आग्रह करती हूँ, हमारे देश को आज संतान की आवश्यकता है। आप अपने लिए नहीं लेकिन राष्ट्र के लिए संतान पैदा करिए, और अगर आपसे पालते नहीं बना तो साजिद प्रज्ञा सिंह को सौंप दीजिए, हम राष्ट्र के लिए तैयार कर लेंगे उनको। पाल भी लेंगे, बड़ा भी कर लेंगे और बना भी देंगे, हमें दे दीजिए। लेकिन हम आपसे कहते हैं जो काम आप सकते हैं आप करिए, जो काम हम कर सकते हैं हम कर ही रहे हैं, इसलिए आप आगे आइए। मैं आपको सिर्फ इतना कहती हूँ कि आप आगे आए न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। हर प्रकार से आप एक अकेलापन महसूस ना करें, साथ में चले, संगठन चले, आप चले, हिंदू एक रहे। किसी प्रकार से जब जब हिंदू बटा है तब तब देश घटा है, और हम देश को घटते हुए नहीं देखना चाहते। हम हमेशा देश के लिए तैयार हैं, रहेंगे। सिर्फ आपका साथ चाहिए, और आपका साथ तब चाहिए जब आप अपनी पीढ़ियां खड़ी कर दें इस देश की रक्षा के लिए, तो आपका कर्तव्य पूरा हो जाएगा। आपकी संतानें आपका कर्ज उतारेंगी और इस राष्ट्र का कर्ज उतारेंगी, यही आपसे आह्वान है। मैं आपको अंत में एक पंक्ति, कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ कि वो जिसको मिटाना चाहते थे वह नहीं मिटेगा, और इस धरा को मैं क्या चाहती हूँ, मैं आप लोगों से क्या अभिलाषा रखती हूँ, बस इतना समय कहना चाहती हूँ। मैं सन्यासी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। इस आत्म तत्व को मिटा सके ना कोई, मैं वो अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। ना मैं ब्राह्मण, ना मैं क्षत्रिय, ना वैश्य शूद्र, ना जाति हूँ। इदम राष्ट्राय इदम नमः, मैं वो अच्युत शासी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। ब्रह्मा की सृष्टि रचयिता से, विष्णु की पालन सहायता से, वज्र रूप धारी होकर मैं शिव धाम की वासी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। मैं पूर्ण हूँ, अपूर्ण हूँ, मैं पूर्ण शेष संपूर्ण हूँ, मैं ओंकार अकार अबंध, मैं शिव रूप मैं काशी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी को सरल ना समझे, कि विधर्मियों को मैं आगाह करती हूँ कि मस्तक पर चंद्र कांति कर, जटान गंग धार कर, कर तांडव प्रलयंकारी, मैं असुर लोक विनाशी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। धर्म का चिर स्थापन कर, अधर्म का मूल समापन कर, भगवा धर्म ध्वजा फहरा कर, मैं अखंड धरा अविनाशी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। इस आत्म तत्व को मिटा सके ना कोई, मैं वो अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम